वेलकम टू DSL क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे pH की एप्लीकेशंस। हेल्दी प्लांट्स को ग्रो करने के लिए हेल्दी सॉइल का होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सॉइल को का pH टेस्ट किया जाता है। ये सब रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी सॉइल की pH को टेस्ट करने के लिए। pH पेपर, ड्रॉपर, सॉइल, टेस्ट ट्यूब स्टैंड एट्सेट्रा। सबसे पहले हमने जिस सॉइल का pH चेक करना है उस सॉइल का हम पानी में सॉल्यूशन बना लेंगे। अलग अलग प्लांट्स को अलग अलग टाइप की सॉइल की ज़रूरत होती है। कुछ प्लांट्स एसिडिक मीडियम में ग्रो करते हैं अच्छे से और कुछ जो हैं वो बेसिक मीडियम में अपनी ग्रोथ अच्छी देते हैं। अब हमने सॉइल का जो वाटर सॉल्यूशन बनाया था उसे फिल्टर कर लिया और अब इसकी एक दो ड्रॉप हम pH पेपर पर डालकर चेक करेंगे कि ये एसिडिक है या बेसिक है। यदि हमें एसिडिक चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग फर्टिलाइज़र डालेंगे और यदि बेसिक सॉइल चाहिए प्लांट के लिए तो हम उसके लिए हम बेसिक फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन है कि हमारी स्किन को क्या सूट करेगा ज़्यादा अच्छा, सोप या कुछ और फैंसी चीज़ें या कुछ और फेस वॉश वगैरह। तो हम यहाँ पर टेस्ट देखना चाह रहे हैं सोप एंड फेस वॉश का कि दोनों में से विच वन इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर द स्किन। एक्चुअली सोप जो हैं वो क्योंकि ज़्यादा बेसिक होते हैं तो वो स्किन को ज़्यादा ड्राई कर देते हैं। इंस्टेड ऑफ वी कैन यूज़ द फेस वॉश विच आर हैविंग लेस बेसिक क्वालिटी। जैसे अभी आपने देखा कि सोप को हमने थोड़ा गीला किया और उसकी pH पेपर उसके ऊपर रख कर देखा, यू कैन सी कितना ब्लू हो गया pH पेपर। ब्लू मीन्स बेसिक, हाईली बेसिक है ये नेचर में, जो कि हमारी स्किन को ड्राई कर सकता है। तो इस तरह से हम टेस्ट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ें जो हम यूज़ कर रहे हैं स्किन के लिए, वो हम टेस्ट करके ही यूज़ करें। आप ये फेस वॉश का सॉल्यूशन बनाया हमने और उसका pH बैलेंस चेक किया तो यू कैन सी इसका कलर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ। दैट मीन्स ये ज़्यादा बेसिक या ज़्यादा एसिडिक नहीं है, इट इज़ स्लाइटली न्यूट्रल। हियर वी आर कंपेयरिंग बोथ pH वैल्यूज ऑफ द सोप एंड द फेस वॉश। इसी टाइप से हम देखते हैं कि हम मॉर्निंग में या नाइट में हम जब तक टूथपेस्ट वगैरह से अच्छे से क्लीन ना करें टीथ तो टीथ खर में डैमेज हो जाते हैं। तो वो इसलिए डैमेज हो जाते हैं क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो हमारे टीथ में रह जाता है और वो बैक्टीरिया से ख़राब होकर एसिडिक एसिड बनाता है। टूथपेस्ट जो है वो बेसिक होते हैं नेचर में जो उन्हें उनकी pH वैल्यू को बैलेंस कर देते हैं। यहाँ आपको दिखा रहे हैं कि जो टूथपेस्ट है वो बेसिक है मीडियम में। यू कैन सी कि pH वैल्यू टूथपेस्ट की बेसिक है जो कि हमारे एसिडिक माउथ के पार्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। एक और बहुत प्रॉब्लम फेस की जा रही है आजकल, वो है स्टमक एसिडिटी। स्टमक जो है वो एसिड रिलीज करता है और जिसकी वजह से ज़्यादा एसिड होने की वजह से डायरिया, स्टमक पेन, इवन अल्सर्स भी हो जाते हैं। इसीलिए बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है या इसी टाइप के और सॉल्यूशंस हैं इनो या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह जो कि बेसिक होते हैं नेचर में, उनसे हम अब एसिडिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और हाइपर एसिडिटी के लिए फिर जेंटेक या रैनिटिडिन वगैरह टैबलेट्स लेनी पड़ती हैं जो कि एसिड को कंट्रोल कर लेती हैं। अभी हमने यहाँ पर होम रेमेडी दिखाई है, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जो होता है वो कभी कभी हम एसिडिटी के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो स्टमक की एसिडिटी को कंट्रोल कर देता है बिकॉज इट इज़ बेसिक इन नेचर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।